आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ 8 से 10 मिनट में 1 लीटर दूध में से तैयार हो जाने वाला दूधपाक की रेसिपी। वैसे तो दूधपाक एक गुजराती ट्रेडिशनल डिश है। दूधपाक को हमें ज़्यादा देर तक उबालना पड़ता है, तभी वो गाढ़ा और क्रीमी बनता है। मगर यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो मिनटों में ये दूधपाक मलाईदार और गाढ़ा बन जाएगा और घर के सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्रीमी और गाढ़ा दूधपाक बनाने के लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर एक बर्तन रखेंगे और उसमें हम 1 लीटर फुल फैट वाला दूध डालेंगे। बस खाली हमें इतना ही ध्यान रखना है कि दूध में से हमें मलाई नहीं निकालनी है। दूध को गर्म करने से पहले हम उसमें से 1 कटोरी जितना दूध निकाल लेंगे। तो इस दूध का यूज़ हम दूधपाक को इंस्टेंटली मलाईदार और गाढ़ा बनाने के लिए करेंगे। बस अब हम गैस की फ्लेम को हाई पर कर देंगे और दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी ही देर में दूध उबलने लगा है और दूध अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से हम दूध को स्टर कर लेते हैं। ये देखिए, अब चम्मच को हम इस तरह से पैन में रखेंगे ताकि दूध उबलता रहे और दूध पतीली में से बाहर ना आ जाए। अब दूधपाक में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून जितने चावल लिए हैं। तो चावल को मैंने अच्छे से वॉश करके उसे थोड़ी देर सोख होने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ बासमती चावल का यूज़ किया है, आप कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हो। अब सोख हुए चावल में 1 टीस्पून जितना हम घी ऐड करेंगे और चावल को हम अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। तो चावल को घी से इस तरह से कोट करके दूधपाक में ऐड करने से चावल दूधपाक में खिले खिले रहते हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर दूध में चावल सॉफ्ट हो जाए तब तक उसे हमें कुक होने देना है। वैसे तो चावल हमने सोख करके ऐड किए हैं, इसलिए चावल दूध में फटाफट से कुक हो जाएंगे। अब चम्मच को हम इस तरह से पैन में रखेंगे ताकि दूध उबलता रहे और दूध पतीली में से बाहर ना आ जाए। तो जब तक दूध हमारा उबल रहा है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ली है। दूधपाक बनाने के लिए हमेशा हैवी बॉटम वाली कढ़ाई या फिर बर्तन यूज़ कीजिएगा। अब उसमें हम 1 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे और कढ़ाई को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो घी से ग्रीस करने के बाद दूध बिल्कुल कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। अब उसमें हमने जो 1 कटोरी जितना दूध निकाल के रखा था ना, वो ऐड करेंगे। साथ ही में 1 कटोरी जितना हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही में 6 टेबलस्पून जितनी हम शुगर ऐड करेंगे और अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो दूधपाक में मिल्क पाउडर ऐड करने से दूधपाक एकदम क्रीमी और गाढ़ा तैयार हो जाता है। मिल्क पाउडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। मिल्क पाउडर को हमें ठंडे दूध में ही मिक्स करना है, बाद में ही हमें दूधपाक में ये मिक्सर ऐड करना है, वरना गरम गरम दूध में लम्स पड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि दूध का ये मिक्सचर रेडी है, मगर थोड़ी सी चीनी भी अभी है। तो अब कढ़ाई को हम गैस पर रखेंगे और लो गैस की फ्लेम पर चीनी को हम मेल्ट कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये देखिए। तो आप देख सकते हो कि उबलते हुए दूध में चावल भी अच्छे से कुक हो गए हैं। हाथों से चावल का दाना प्रेस करके देखते हैं तो दाना अच्छे से प्रेस हो जाता है, ये देखिए। अब इस चावल वाले दूध को हम कढ़ाई में मिक्स कर लेते हैं और दूध को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम गैस की फ्लेम पर दूधपाक को हम थोड़ी देर स्टर करते हुए गाढ़ा बना लेते हैं। साथ ही में उसकी साइड में रही मलाई को हम दूधपाक में इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब उसमें मैंने यहाँ 1/2 कप जितना केसर वाला दूध बनाया है वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट केसर के धागे दूधपाक में ऐड कर सकते हो, मगर इस तरह दूध में केसर को भिगो के ऐड करोगे तो कलर एकदम फटाफट आ जाएगा। केसर वाला दूध डालने के बाद 5 से 6 मिनट हो चुकी है और अब हम उसमें 2 टेबलस्पून जितना पिस्ता ऐड करेंगे, जिसकी मैंने इस तरह की स्लाइस कर ली है वो ऐड करेंगे। और साथ ही में मैंने 2 टेबलस्पून जितनी बादाम ली है, उसको भी मैंने इस तरह की स्लाइस कर ली है वो ऐड करेंगे।
और अब इसमें हम एक टेबलस्पून जितनी चारों ले ली है वो ऐड करेंगे। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से दूधपाक में मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक हमें मीडियम गैस के फ्लेम पर दूधपाक को कंटिन्यू स्टर करते जाना है और दूधपाक को हमें पकाते जाना है। तो आप देख सकते हो कि 2 मिनट हो गई है, अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर देते हैं और उसमें हम आधी टीस्पून जितनी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इलायची के पाउडर को हम अच्छी तरह से दूधपाक में मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में हम 1/4 टीस्पून जितना जायफल का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूधपाक में इलायची और जायफल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम कंटिन्यू स्टर करते हुए 2 मिनट तक दूधपाक को पकाएंगे। तो आप देख सकते हो कि 2 मिनट हो गई है और दूधपाक भी बनकर रेडी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और गैस पर से हम दूधपाक को नीचे उतार लेंगे। और हाँ, दूधपाक को हमें थोड़ी थोड़ी देर तक इस तरह से चम्मच से चलाते रहना है ताकि दूधपाक पर मलाई न जम जाए और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आए तब दूधपाक को हम फ्रिज में 1 से 2 घंटे तक रख देंगे। तो बना है ना एकदम इंस्टेंट क्रीमी और गाढ़ा दूधपाक और एकदम आसान सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना और मेरी चैनल को भूले बिना ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।